सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कवरिंग लेटर के बारे में। क्या है कवरिंग लेटर का इंपोर्टेंस, कैसे बनाते हैं ये कवरिंग लेटर और क्या क्या होता है इस कवरिंग लेटर में, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैं अपने पहले के वीडियो में अभी कह चुका हूँ कि कवरिंग लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सीवी और दूसरा चीज़ होता है आपका कवरिंग लेटर। अगर आपका कवरिंग लेटर सही नहीं है और सीवी गलत है, देन आपको जॉब कोई नहीं दिला सकता है, चाहे वो कितना बड़ा एजेंट क्यों ना हो। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, देन दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला चीज़ है आपका सीवी, दूसरा चीज़ है आपका कवरिंग लेटर। कई सारी कंपनियों ने तो कंपलसरी कर दिया है कवरिंग लेटर। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के अगर आप वेबसाइट में जाएंगे, देन आपको वहाँ पे कवरिंग लेटर का एक अलग सा सेक्शन भी देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि कवरिंग लेटर आपके सीवी के साथ ज़रूर जाए, क्योंकि कवरिंग लेटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके जॉब दिलाने में। तो आपको अगर जॉब लेना है, देन कवरिंग लेटर अच्छी तरह से लिखिए। अच्छा कवरिंग लेटर आपको अच्छा जॉब दिला सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिज्यूम सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बता रहा होता है, जिसमें कि कई बार ऐसे कैंडिडेट होते हैं जहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉयर को जज करना है कि ये बंदा इससे बेटर है या नहीं, देन उसका कवरिंग लेटर ये काम कर जाता है और ये दर्शाता है कि कौन सा बंदा बेटर रहेगा, क्योंकि कवरिंग लेटर में कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जब आप कवरिंग लेटर लिखते हैं, उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको एड्रेस करना है उसी पर्सन को जिसके लिए आप लिख रहे हैं। जनरली हम कैसा लिखते हैं कि एक ही कवरिंग लेटर बना देते हैं, जिसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस करके मतलब कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। वो चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन सबसे पहली चीज़ तो उसका डिस्क्रिप्शन ढंग से बनाएं और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना कवरिंग लेटर बनाएं। जो जो डिस्क्रिप्शन में है, देन वो सारे पॉइंट्स थोड़े से कवरिंग लेटर में आने चाहिए, ताकि आपका जॉब और आपका कवरिंग लेटर थोड़ा सा कोरिलेट कर सके, ताकि एम्प्लॉयर को ये डिसाइड करने में आसानी हो कि आपको वो क्यों सिलेक्ट करे। क्योंकि कवरिंग लेटर में आपको यही मेंशन करना होता है कि आपको वो क्यों सिलेक्ट करे, आप में क्या स्किल है जिसकी वजह से उसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए दूसरे लड़कों से अगर हम कंपेयर करें तो। तो आपको सबसे पहले तो एड्रेस करना है स्पेसिफिक एम्प्लॉयर को, हो सके तो उनका नाम लिखिए, जो भी उनका नाम है, ताकि एक कैसा बोलते हैं पर्सनलाइज्ड ये कवरिंग लेटर बन जाएगा, जिसकी वजह से कि वो ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। तो अगर उनका नाम है, जैसे कि डायरेक्टर का नाम है या फिर HR पर्सन का नाम है, देन उसका नाम लिखिए, तो ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है आपका कवरिंग लेटर HR पे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, वो है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप इस जॉब के लिए क्यों फिट हैं, आप में ऐसी क्या स्किल हैं जो इस जॉब में चाहिए और आपके पास वो स्किल है, ये चीज़ आपको दर्शानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस, और साथ ही उसमें आपको ये दिखाना है कि आपने ये जो एक्सपीरियंस गेन किया है, इसमें क्या क्या अचीव किया है, क्योंकि अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने जो 5 साल 4 साल जितने भी साल आपने काम किए हैं, उसमें क्या क्या आपने अचीव किया है, आपकी अचीवमेंट को दर्शाता है कवरिंग लेटर। तो वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर हम एक फॉर्मेट के हिसाब से बोले, देन सबसे पहले आपको मिलेगा एम्प्लॉयर का नाम, जिस वहाँ पे आप ये भेज रहे हैं उनका नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, देन उसके बाद आपको लिखना है कि आप कौन हैं और आप कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास कौन सी एजुकेशन है और आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है और आपने इस एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है इस पीरियड में आपने क्या क्या अचीव किया है, साथ ही आपके पास कौन कौन से स्किल है और आप किस तरह से इस जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं, ये आपको आपके कवरिंग लेटर में लिखना पड़ेगा, तभी जाके एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं इम्प्रेस होगा। अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान आपने रखा है अपने कवरिंग लेटर में, देन ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालेगा आपके जॉब सिलेक्शन में और आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक अच्छा CV तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि CV बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CV ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा CV, और दूसरा है अच्छी सी कवरिंग लेटर। आपको अगर कवरिंग लेटर का सैंपल चाहिए, देन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कवरिंग लेटर को। क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जॉब के हिसाब से, एम्प्लॉयर के हिसाब से कवरिंग लेटर में चेंजेस आने चाहिए, मतलब कॉपी पेस्ट ना कीजिए, थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए, थोड़े बहुत इनोवेटिव रहिए, तो आपको कैसा है कि आपका जो जॉब है वो सिक्योर होने में आपका जो कवरिंग लेटर है वो मदद करेगा। तो अच्छे से कवरिंग लेटर बनाइए
और अपने जॉब को सिक्योर कीजिए। सो ये था आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।